सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस मूवी रेड का सेकंड टीजर या कह लो ट्रेलर रिलीज हो चुका है वन पीस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक वो ट्रेलर नहीं देखा है जा करके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। अब हम आते हैं इस ट्रेलर के ऊपर। जिन लोगों ने ट्रेलर देख लिया बिंदास होकर के ये वीडियो को एंजॉय करो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से इस ट्रेलर में दिखाया गया है, हमें यहां पर एक न्यू फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई है जो कि डॉटर है सैंक्स की। हाँ तुम सही समझे, सैंक्स की डॉटर है जिसका नाम है ऊता। अब ऊता का मतलब होता है इंग्लिश में सॉन्ग, जैपनीज में म्यूजिक या फिर सॉन्ग को ऊता बोला जाता है और इसका पावर म्यूजिक से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर ट्रेलर को देख के थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है कि ये वर्ल्ड को एक बराबर नजरिए से देखती है, बट तुम सबको मालूम है वन पीस का वर्ल्ड कैसा है। अब शायद ये वन पीस के वर्ल्ड को पीस में एक बराबर करने के लिए, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, उन सब चीज़ों को एक समान करने के लिए ये शायद कोई गलत कदम उठा दे, ये अपने तरीके से जो है चेंज करने का ट्राई करे, जिस वजह से वो गलत रास्ता पकड़ लें, और यही चीज को रोकते हुए नजर आएगा अपना लूफी। ऐसा फिलहाल इस मूवी के टीजर को देख के मालूम पड़ रहा है, पर पता नहीं जब मूवी आएगा तो क्या स्टोरी रहने वाला है वो मैं गारंटी से नहीं कह सकता। अब देखो इस मूवी में सैंक्स दिखा है, मतलब हाँ हमें सैंक्स जरूर दिखने वाला है, बट क्या सैंक्स एक्शन में दिखेगा? देखो मैं दिल से चाहता हूँ कि सैंक्स एक्शन में दिखे, बट कह नहीं सकता यार, वो ओडा का मर्जी है, तो ये एनिमेशन का मर्जी है, जिन लोगों ने मूवी बनाया है उन लोग का मर्जी है, वो सैंक्स को एक्शन करते हुए दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं पता, बट मैं दिल से चाहता हूँ यार सैंक्स थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो अपना जलवा दिखाए ही। आज से कुछ दिन पहले इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के जो है आर्ट जो है रिलीज हुए थे कलर वाले, वो भी तो वहाँ पर हमें जोरो दिखाया गया था जिसके पास 3 स्वॉर्ड थे। तुम बोलोगे इसमें कौन सी नई बात हुई, भाई उनमें से एक स्वॉर्ड एनमा थी, मतलब तुम कुछ समझ रहे हो। यहाँ पर ये इशारा करती है कि ये मूवी भले ही नॉन कैनन हो, बट एक चीज हो सकता है, ये मूवी जो है वानो आर्क के बाद की हो, और अगर ये वानो आर्क से पहले की होती तो जोरो के पास एनमा नहीं आती, मतलब पक्का ये लोग एक तो वानो आर्क के बीच से उठाएंगे वरना उसके बाद से उठाएंगे, और ये नॉन कैनन होगी, इसका मेन स्टोरी लाइन से कोई नाता नहीं होगा। सैंक्स का ऊता नाम के बेटी है, ये चीज भी कहीं पे भी मतलब मेन स्टोरी लाइन पे बिलोंग नहीं करती है, बस इतना समझो ये उस मूवी के लिए ऊता सैंक्स की बेटी है। अब हम जरा आते हैं, अगर जोरो के पास एनमा आता है और इसको अगर ये लोग स्टोरी उठाते हैं वानो आर्क के बाद से, तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी? देखो भैया लूफी पहली बात तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा, और अभी जिस हिसाब से मांगा में लूफी स्ट्रांग है, भाई फाड़ देगा यार, काइडो को रस्सी बना के कूद रहा है, मजाक कर रहा उसके साथ, तो ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और वही वाला लूफिया में अगर मूवी में दिखता है तो तुम अंदाजा लगाओ कि भाई विलन भी स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर विलन स्ट्रांग नहीं होगा तो हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब हाँ जो ऊता है वो इस सीरीज की विलन के रूप में हमें स्टार्टिंग में दिखाई जाएगी, बट धीरे धीरे वो आगे जाके अच्छी बन जाएगी, ये मूवी का कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज लूफी ही उसको सुधार सकता है, क्योंकि लूफी सैंक्स को एडमायर करता है, सैंक्स को सबसे ज़्यादा वही इज्जत करता है, सैंक्स को सबसे ज़्यादा वही मानता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि लूफी सैंक्स की बेटी को सुधार दे। और यहाँ पर हमें अगर कोई तगड़ा विलन देखने को मिलता है तो मैं वो चीज़ जरूर देखना चाहूँगा। अब एक और चीज़ पे आते हैं, इस ट्रेलर में हमें आकाइनो दिखा है, अब ये तो लाजमी था यार, कुछ भी बोल लो आकाइनो जिस हिसाब से दिखा है, मतलब मरीन इसमें टांग पक्का अड़ाएगी, तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट वर्सेस मरीन्स का फाइट देखने को मिले? देखो मैं ये चीज़ नहीं चाहता, वरना फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, आने वाले जो मांगा में आर्क आएंगे वन पीस के उसका चला जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसा वन पीस के बाकी मूवीज का इतिहास रहा है, जैसे चाहे तुम वन पीस मूवी जेड उठा लो, वन पीस मूवी गोल्ड उठा लो, वन पीस मूवी स्टैम्पेड उठा लो, इन सब मूवीज में होता है क्या, लास्ट में मरीन्स आती है, वैसे गोल्ड में जो है CP0 आई थी जिसको रोकने के लिए सैबो आ गया था, जेड में एडमिरल्स आ गए थे पर उसको इंस्ट्रक्टर जेड रोक देता है, स्टैम्पेड में सैबो आकर के किजारू का अटैक को शायद रोकता है ही कैन यूज़ करके, ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि हमें फिर से उसी तरह का नज़ारा देखने को मिले जहाँ पर मरीन्स आए और मरीन्स जो है अटैक करने वाली होगी पर फिर कोई ना कोई आ करके रोक देगा।
अब देखो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सैंक्स आके उसको रोके। जिस हिसाब से उसने मरीन फोर्ड में तहलका मचाया था उसी हिसाब से यार सैंक्स बीच में आ जाए और बोले कि अबे ओए आगे मत पढ़ना। ये चीज तो मैं दिल से चाहता हूँ, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ। अब यार वो तो मूवी वालों की मर्जी है वो किस हिसाब से दिखाते हैं। प्लस हमें ये मूवी में म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, साथ ही साथ जिस हिसाब से इसका ट्रेलर देख के लग रहा है आतंक ट्रेलर है। पहली बात, वन पीस नो डाउट फिर से ट्रेंडिंग पे जाने वाला है जिस हिसाब से ट्रेलर आया है। ये ट्रेलर ना बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब इससे पहले वाला जो ट्रेलर आया था वो मिस्ट्रीज को पैदा करके गया था, ये वाला जो ट्रेलर आया ये आतंक मचा के गया है। प्लस अब हम आते हैं, क्या ये मूवी इंडिया में आ सकती है? देखो भैया पहली बात तो वो चीज मैं गारंटी से नहीं कह सकता। जापान में रिलीज होगी 6 अगस्त को, उसके बाद जाकर के अराउंड 5 से 6 महीने बाद इंटरनेशनली रिलीज होती है अमेरिका में लगता है। तो यहाँ पर पहली बात तो इसको पहले जापान में रिलीज होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ही ये मूवी कहीं और कंट्री में आ सकती है। अब देखो इंडिया में वन पीस का फैन बेस है नो डाउट। आज से अगर तुम 1.5-2 साल पहले अगर तुम चल जाओ, जिस वक्त मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया था, वन पीस पे वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त अगर कोई कहता कि वन पीस की कोई मूवी वगैरह इस टाइप का आ सकता है इंडिया में, मजाक था, कोई सीरियसली लेता नहीं था। पर आज के टाइम पे वन पीस की ऑडियंस है 20-25 हज़ार तो आराम से है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और एक दिन 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी और एक दिन 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। नो डाउट आज वन पीस का फैन बेस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इंडियन वन पीस कम्युनिटी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जिस हिसाब से हर यूट्यूबर ने मेहनत किया है इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, हर दूसरा बंदा आजकल वन पीस के बारे में जानता है अगर वह एनिमे देखता है। पर हम बात कर रहे हैं रेड की, ये इंडिया में अगर आती है ना तो डिसअपॉइंटमेंट होने वाली कोई बात नहीं है, ये मूवी पक्का कुछ ना कुछ कमा के जाएगी। और अगर ये रिलीज होती है मैं तो यार जाऊंगा जरूर देखने, तुम लोग जरूर जाना अगर आता है तो। पर फिलहाल के टाइम पे जापान में ये 6 अगस्त को रिलीज होगा, तो जापानीज अगर कोई मेरा बंदा देख रहा है, मेरा सब्सक्राइबर है जापान से, क्योंकि है 1-2 सब्सक्राइबर, तो यार तुम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। इसका एनिमेशन मस्त होगा, एक्शन जबरदस्त होगा, आई होप कि विलन तगड़ा निकले, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बस ऊता को विलन रखा जाए, वरना मजा नहीं आएगा यार, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं वो लास्ट में सुधर जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि विलन कोई तगड़ा दिखाए। वैसे एक कैरेक्टर हमें दिखाया गया था, क्या ये विलन है? आई डोंट नो, मुझे चाहिए भाई तगड़ा विलन इस सीरीज में जो लूफी को गंदी तरह से धोए। प्लस अगर तुम लोग अकाइनो को इस मूवी का विलन बनाने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि वो इस मूवी में विलन बनेगा, वरना फिर उसको पिटते हुए दिखा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हो सकता है वो साइड में ही उंगली करता हुआ नजर आ जाए मरीन्स के साथ, बिकॉज वो फ्लीट एडमिरल है। अब ये सारी चीजें तो यार मेरा मानना था, तुम लोग क्या क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताओ। प्लस इस मूवी को लेकर के तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमने ये ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है जा करके देखो यार, क्या कर रहे हो यहाँ पर। और हाँ, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पर नए आ गए हो, तो इस चैनल के लिए मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर वन पीस की वीडियो बनाते रहता हूँ, तो इस वजह से यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, प्लस मैं जब भी वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।